तो नमस्कार, इस वीडियो में आप लोग को बात करेंगे यहाँ पे कि मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले आपको कौन सा चीज़ों को ध्यान से रखना चाहिए, मतलब याद रखना चाहिए, तब जाकर आपको अप्रूवल 1 से 2 दिन का अंदर मिल जाएगा, रिजेक्ट होने का ना के बराबर है। एक्चुअली मैं जितना बार देखा हूँ, काफ़ी लोगों का ऐसा प्रॉब्लम सर्च फेस किए हैं। आप लोग जो टैग दे रहे हो ना वीडियो में, तो वो 3 से 4 दीजिए। आप शुरुआत में जितना चाहे भर दीजिए आपको रैंकिंग लाने के लिए, ठीक है, लेकिन बाद में इसको कम कर दीजिए जब अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई स्टूडियो में जाकर जहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, studio.edu.com, वहाँ पे तो आपको लिखा है क्लियरली, क्या लिखा है कि मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, वो तो पता है, उसको छोड़कर बताया कि ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ क्या है, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप लोग किसी का भी फोटो गूगल से उठा के ला के खड़ा कर देते हो। एक्चुअली फोटो मतलब लेने के लिए फ्री साइट है, फ्री साइट से नहीं लेकर आप लोग गूगल का इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसी वजह से आप लोग कम से कम डिस्क्लेमर में लिख लीजिएगा कि ये जो फोटो हम लोग शो किए हैं, वॉट एवर फोटोज या वीडियोज क्लिप्स वी आर शोइंग इन दिस वीडियो आर नॉट बिलोंग्स टू अस, इट इज गोइंग टू रेस्पेक्टिव ओनर एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। एंड कोई अगर एप्स रिलेटेड चीज़ बना रहे तो उसमें भी क्लियरली ऐसा लिख सकते हो कि भाई व्हाट एवर ऑफर्स शोइंग या व्यूइंग इन दिस वीडियो आर नॉट, एक्चुअली वी आर डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन, एंड व्हाट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन डू योर ओन एनालिसिस, इस टाइप का लिख देना है आपको। कहाँ पे, डिस्क्लेमर में। एंड अबाउट अस में, उसमें लिखना है मतलब वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, इस वीडियो किस बारे में है, वीडियो में किस बारे में, इसको बारे में लिखिए। थोड़ा सा क्या करना चाहिए आपको, जैसे क्या है, वीडियो में अगर मान लीजिए टाइटल इंग्लिश में है, थंबनेल भी इंग्लिश में है, तो आपको लेकिन वॉयस आपका दिया है हिंदी में, तो इसी बात से आपको एक सेटिंग में है, अगर आप गूगल क्रोम पे ओपन करोगे वहाँ पे लिखा है कि लैंग्वेज, वीडियो लैंग्वेज, तो वीडियो लैंग्वेज कौन से में है हिंदी में चूज कर सकते हो, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि दिस वीडियो इज इन हिंदी लैंग्वेज, ऐसा लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड पॉपुलर वीडियो एंड लास्ट 3 अपलोड वीडियो। पॉपुलर वीडियो आप देखना है कि 3 पॉपुलर वीडियो कौन सा है, उसको थोड़ा सा क्लीन करना है डिस्क्रिप्शन। पहले क्या होता है, रैंकिंग लाने के लिए काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन में भर देते हैं, उसको अप्लाई करने से पहले डिलीट करिए, क्लीन रखिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को। एंड पॉपुलर ये करना है कौन सा, 3 पॉपुलर वीडियो में एंड 3 आपको लेटेस्ट वाला वीडियो, क्योंकि गूगल जो यूट्यूब है अप्रूव करने से पहले यही वीडियो को वो ज़्यादा करके देखता है, ठीक है। आपको इस चीज़ में ध्यान देना है, सबसे पहले बताया टाइटल थंबनेल के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से अगर है तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे बताया कि हिंदी या जो भी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो उस लैंग्वेज को थोड़ा सा लिख लीजिए, एंड स्टार्टिंग में लिख लीजिए दिस वीडियो इज अबाउट, लाकर टाइटल में जो लिखे उसको ला के पेस्ट कर दीजिए, एंड लिख दीजिए इन उड़िया लैंग्वेज, इन बंगाली लैंग्वेज, इन तमिली, तो इस टाइप का थोड़ा सा लिख लीजिए। एंड डिस्क्लेमर भी लिख लीजिए नीचे में। एंड आपको जैसे बताया टैग को थोड़ा सा कम कर लीजिए, एंड कॉपीराइट तो नहीं होना चाहिए। एंड म्यूजिक वाला जो लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं कि थोड़ा सा कॉपीराइट नहीं आने के लिए, या वो तो इन फ्यूचर बताऊंगा कॉपीराइट नहीं आने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, मान लीजिए आपने म्यूजिक वाला काम कर रहे हैं तो लिख लीजिए माई स्टेज परफॉर्मेंस, तो इससे क्या होगा, उनको पता नहीं चलेगा कि भाई खुद का है। अगर आप स्टेज में कोई गाना गा रहा है, कोई स्टेज में अगर परफॉर्मेंस डांस कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड किए है, आप खुद लिख लीजिए माई, माई शब्द यूज करने से उनको पता नहीं चलता है एंड वो काम पे आ जाता है, समझ गए। तो इस टाइप का कुछ करिए, तब जाकर आपको बढ़िया सा अप्रूवल होने का चांसेस सर वेरी है, एंड आपको बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे और कुछ अगर आइडिया है तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी थोड़ा सा फॉलोअप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया, एंड ऐसे ही अगर यूट्यूब का ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।